Hello everyone, welcome in today's computer science session. Our today's topic is compiler and interpreter. So first let us know what is compiler. So compiler kya hota hai? Compiler is a program that translates a program written in high level language into another language, usually called machine language. सबसे पहले तो कंपाइलर इट्सेल्फ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंपाइलर खुद एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है. क्या करता है, ट्रांसलेट करता है किसी प्रोग्राम को, वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है. हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जैसे C++, पैथन, रूबी, ये सब जो हैं, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं. इनको जो है, ये सब जो सोर्स कोड होता है इनका, यानी कि जो कोड होता है जिसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं और इसी को हम हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं. तो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में ट्रांसलेट करता है, अनादर लैंग्वेज में, अनादर लैंग्वेज जिसे कि हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं. तो कंपाइलर का काम हो गया हाई लेवल लैंग्वेज को किस में ट्रांसलेट करना, मशीन लैंग्वेज में. कैसे वर्क करता है, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हमने एज ए इनपुट दिया यहाँ पर, ये कंपाइलर लगा है. कंपाइलर क्या करेगा, उस वो जब तक 100% एरर फ्री नहीं हो जाती है, जब तक उसमें कोई गलती है वो हमें बताता रहेगा कि यहाँ पर इस लाइन में गलती आ रही है, यहाँ पर इस लाइन में मिस्टेक आ रही है. मान लो हम कॉमा लगाना भूल गए, हम डॉट लगाना भूल गए, हमने कोई ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज करना भूल गए, किसी की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी. बहुत सारी एरर्स होती हैं प्रोग्राम में लिखते टाइम पे, जो एग्जैक्ट कोड नहीं लिख पाते हैं हम, तो ऐसी एरर्स को वो हमें बताता है जब तक वो प्रोग्राम जो सोर्स कोड हमने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में वो 100% करेक्ट नहीं होता, तब तक वो हमको एरर बताता रहता है. और जब वो 100% करेक्ट हो जाता है तो उसको लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में उसको चेंज कर देता है. लो लेवल लैंग्वेज कह लें, मशीन लैंग्वेज कह लें. मशीन लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की भाषा. तो कंप्यूटर को समझने के लिए जो लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं. तो सीधा सा कंसेप्ट है, कंपाइलर का काम है हाई लेवल जो हमारी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें चेंज करना, लो लेवल लैंग्वेज में, और कंपाइल करते जाना. अगर कोई एरर है तो उसे जनरेट करते जाना, वो एरर रिमूव होती जाएगी. जब 100% एरर रिमूव हो जाएगी तो वो कायमे ट्रांसलेट हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज में. नाउ व्हाट इज इंटरप्रेटर. तो इंटरप्रेटर इन कंप्यूटर साइंस, एंड इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विदाउट रिक्वायरिंग देम प्रीवियसली टू हैव बीन कंपाइल्ड इनटू अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम. यानी कि इंटरप्रेटर का काम क्या है कि डायरेक्टली उसको कायमे ट्रांसलेट कर देता है, जो इंस्ट्रक्शन हमारे लिखे होते हैं उनको डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देता है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कंपाइल करके उनको मशीन लैंग्वेज में चेंज करने की, वो डायरेक्ट आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है इंटरप्रेटर. हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, यानी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और डायरेक्टली हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है मशीन लैंग्वेज में, यानी कि उसको कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. यहाँ पे हम देखते हैं दोनों कैसे वर्क करते हैं. जैसे कंपाइलर है तो ये सोर्स कोड लिखा हमने, सोर्स कोड मतलब अपनी जो अपना हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम था वो लिखा, उसको कंपाइल किया. कंपाइल किया, अगर कोई एरर आ रही है तो अगेन कंपाइल करेंगे उसको सही करके, और जब तक वो 100% करेक्ट नहीं हो जाता कंपाइल करते जाएंगे, और उसको चेंज किया उसने मशीन कोड में, और फिर हमको मिला हमारा आउटपुट. इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है, सोर्स कोड लिखा, इंटरप्रेटर लगा है ना, वो भी एरर देगा, एरर जनरेट करता जाएगा, और जब तक एरर आती रहेगी मतलब एरर को हम रिमूव करते रहेंगे, और फाइनली वो हमको क्या प्रोवाइड कर देगा, जब सारी एरर रिमूव हो जाएगी तो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा. मशीन कोड की यहाँ पे ज़रूरत, कंपाइलर कंपाइल करके उसको मशीन कोड लैंग्वेज में चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती. सोर्स कोड को डायरेक्ट वो कायमे चेंज कर देता है, आउटपुट में चेंज कर देता है. अब डिफरेंस देख लेते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में. दोनों ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं और दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शन को चेंज करके हमको आउटपुट दे रहे हैं. एक मशीन लैंग्वेज में चेंज कर रहा है, एक डायरेक्टली आउटपुट दे रहा है. दोनों में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं. इंटरप्रेटर जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसलेट जस्ट वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम इनटू मशीन कोड.
जैसे कि ये पूरा प्रोग्राम लिखा है, एक पूरा पेज लिखा है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। उसने एक स्टेटमेंट पढ़ा, जैसे ये एक स्टेटमेंट है यहाँ पढ़ा, और वो यहाँ रुक जाएगा। अगर यहाँ पे कोई एरर आई है तो यहाँ वो रुक जाएगा, एरर नहीं आई है तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो जहाँ एरर आएगी वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, वो लाइन बाय लाइन उसको पढ़ता जाता है। एरर आती है तो वो वहीं बता देता है कि इस लाइन पे एरर आई है, आप ठीक कर लो, फिर वो आगे बढ़ता है। इस तरह से इंटरप्रेटर वर्क करता है। कंपाइलर कैसे वर्क करता है? कंपाइलर स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट द होल इनटू अ मशीन कोड एट वंस। यानी कि कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को पढ़ता है। मतलब जैसे पूरा पेज लिखा है, 5-7 पेज, 10 पेज, 15 पेज का प्रोग्राम है, तो उसको पूरे को एक साथ पढ़ता है और आखिरी में जाके एरर बताता है कि वहाँ 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 पर एरर आपकी आई है, उस लाइन में आपकी एरर आई है। लेकिन वो पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड, एन इंटरप्रेटर टेक्स वेरी लेस टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। सोर्स कोड को एनालाइज वो जल्दी कर लेता है, बट हाउएवर द ओवरऑल टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस इज मच स्लोअर। जो ओवरऑल टाइम है वो स्लोअर है, ये धीमा चलता है कंपाइलर से। क्यों? क्योंकि वो एक एक स्टेटमेंट को क्या करता जा रहा है, एक एक स्टेटमेंट को रीड करता जा रहा है। एरर आती है तो स्टॉप होता है, आप उसको रिमूव करिए, वो फिर आगे बढ़ता है। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर किसी सोर्स कोड को एनालिसिस करने में तो टाइम लगाता है, उसका टाइमिंग ज़्यादा है सोर्स कोड को पढ़ के, उसको एनालिसिस करना और उसमें से एरर निकाल के एरर बताना, ये एनालिसिस होता है कि आपने पढ़ा, एरर आप ढूंढे और आपने एरर बताया। तो एनालिसिस टाइम जो है वो उसका क्या है, सोर्स कोड का, वो ज़्यादा लेता है, उसको कंपाइलर को ज़्यादा टाइम लगता है। पर वो पूरा जो प्रोग्राम है एक साथ पढ़कर सारी एरर एक साथ चूंकि वो बता देता है, इसलिए प्रोसेस इसका फास्ट है, इसलिए पूरा प्रोग्राम जो है वो हमारा जल्दी कंपाइल हो जाता है। एक साथ उसने बता दिया सारे प्रोग्राम में यहाँ यहाँ एरर है, तो आप उसको देख के ठीक कर लीजिए। तो इसका प्रोसेस फास्ट है, इसका प्रोसेस स्लो है, बट एनालिसिस टाइम जो है वो इसका कम है और इसका एनालिसिस टाइम ज़्यादा है। नेक्स्ट है, इंटरप्रेटर कीप्स ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम कंटिन्यूसली टिल द फर्स्ट एरर इज कन्फ्रंट। जब पहली एरर, तब तक वो उसको ट्रांसलेट करता रहता है जब तक पहली एरर नहीं आ जाती। मतलब हो सकता है जैसे ये प्रोग्राम लिखा है, ये पेज जो हमको दिख रहा है, तो यहाँ एरर नहीं आई तो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ एरर नहीं आई तो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ एरर नहीं आई तो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ एरर आ गई तो वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, यहाँ वो आपको कहेगा कि पहले यहाँ वो स्टॉप होगा, आपको एरर बताएगा, आप एरर रिमूव करिए, फिर वो आगे बढ़ेगा। तो इफ़ एनी एरर इज स्पॉटेड, अगर कोई एरर स्पॉट होती है तो इट स्टॉप्स वर्किंग, वो रुक जाता है, एंड हैंस डीबगिंग बिकम ईजी, और हमारे डीबगिंग ईजी हो जाती है। वो हमें बता देता है कि यहाँ एरर आ रही है इस वाली लाइन में, आप इसको ठीक कर लीजिए, तो हम उस वक्त ठीक कर लेते हैं। अब डीबगिंग एक्चुअली में क्या होता है, डीबगिंग वो होता है, डीबगिंग की प्रोसेस वो प्रोसेस होती है कि एरर आना और एरर को रिमूव करके उसको एग्जैक्ट राइट कोड में लिखना इज द प्रोसेस ऑफ डीबगिंग। डीबग कर लिया हमने उसको कि एरर थी, गलत कोड लिखा था और उसको हमने सही कोड कर लिया, उसको रिमूव कर दिया, सिस्टम को क्रैश होने से बचाया, उसको रिमूव कर लिया और हमने उसको राइट कोड में लिख दिया, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डीबगिंग। तो ये हो गया इंटरप्रेटर का काम। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जनरेट द एरर मैसेज ओनली आफ्टर इट स्कैन्स द कंप्लीट प्रोग्राम। हमें पता है कि कंपाइलर पूरा प्रोग्राम पढ़ लेता है और उसके बाद एरर मैसेज जनरेट करता है। हैज डीबगिंग बिकम इज रिलेटिवली हार्डर। अब जब वो पूरा प्रोग्राम एक साथ बता रहा है आपको एरर कि यहाँ वहाँ 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 एरर है, तो डीबगिंग की जो प्रोसेस है, मतलब एरर को ढूंढ के उसको रिमूव करना, ये वाली जो प्रोसेस है डीबगिंग, ये हार्डर हो जाती है कंपाइलर में, और यही प्रोसेस इंटरप्रेटर में ईजी होती है क्योंकि वो हमें हर लाइन पर बताता जाता है कि यहाँ पर एरर आई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरप्रेटर आर यूज बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक रूबी एंड पाइथन। फॉर एग्जाम्पल, रूबी और पाइथन उसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर इन लैंग्वेजेस में इंटरप्रेटर यूज़ होता है, और कंपाइलर कहाँ यूज़ होता है, कंपाइलर यूज़ होता है सी और सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।